चलिए तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है लोकेश सर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर, और आप सुन रहे हैं मुझे लोकेश कबले को। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन बताया था, जिसमें मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसका कंटेंट जो है आप लोगों के साथ में यहाँ पर साझा किया था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमी हम लोगों को पढ़नी है, उसके बाद में हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट कर दें। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमी के क्वेश्चन कौन कौन से हैं आपको बता देता हूँ। जैसे इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो इकोनॉमिक्स जो है मैं आपको बता दूँ, एक स्टडी होती है जिसमें हम लोग चॉइसेस करते हैं ऑफ डिफरेंट कंडीशन ऑफ स्कैरसिटीज। मतलब वी हैव ऑलवेज स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, बट इन इकोनॉमिक्स वी हैव टू मैनेज देम। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वर कॉइंड बाय, मतलब ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो टर्म्स हैं वो किसने दिए हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ये जो आर फ्रिश जो हैं उन्होंने दिए हैं। जो बच्चे सोच रहे होंगे सर ये एमसीक्यू सेशन तो नहीं है, नहीं एमसीक्यू सेशन नहीं है, ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले जो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आप लोगों के साथ में साझा कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों के दिमाग में पढ़ते वक्त जो है एक इमेज बन जाए कि हम लोगों को क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा, प्राइस देयर इज़ ऑलवेज कॉल्ड बाय अनदर नेम, मतलब जो प्राइस है उसको दूसरे किस नाम से जाना जाएगा। अगर हम लोग इस चैप्टर की बात करें तो इसको माइक्रो इकोनॉमिक के रूप में जाना जाएगा। क्यों जाना जाएगा वो अभी चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते अभी आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद में है इन अ फ्री इंटरप्राइजेस, मतलब कि कोई फ्री इकोनॉमी मान लीजिए, द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट एंड हाउ एंड फ्रॉम होम आर सॉल्व बाय, मतलब ये जो प्रॉब्लम होती है जिसमें हम लोग व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस, ये किससे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो प्राइस मैकेनिज्म से सॉल्व करते हैं। जैसे आपने देखे होंगे तीन प्रकार के गुड्स होते हैं, एक होता है फॉर चीप क्लास या लेबर क्लास, फिर एक होता है मिडिल क्लास, और एक होता है हायर क्लास। तो ये प्राइस के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस। ठीक, फिर वी कंज्यूम मोर ऑफ कमोडिटी इट्स टोटल यूटिलिटी, जब जब हम लोग कमोडिटी जो है ना उसको ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, टोटल यूटिलिटी क्या होगी, तो उस टाइम पर आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जो टोटल यूटिलिटी होती है हमारी डिमिनिश होने लगती है। ऐसा क्यों होता है, जैसे जैसे हम लोग चीज़ों को यूज़ करने लगते हैं उसमें हमारी टोटल यूटिलिटी कम हो जाएगी और मार्जिन यूटिलिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक, फिर उसके बाद में है द मार्जिन यूटिलिटी ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ सेचुरेशन इज, तो क्या हो जाएगा, तो सेचुरेशन पॉइंट पे यूनिटी बोलते हैं हम लोग जिसको, जिसमें ना वो घटती ना वो बढ़ती, तो यूनिटी बोलते हैं हम लोग उसको। और व्हेन डिमांड कर्व, सॉरी जस्ट अ मिनट, व्हेन डिमांड कर्व इज़ वर्टिकल इट रिप्रेजेंट, जब डिमांड कर्व जो है वर्टिकल होता है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो यूनिटरी इलास्टिक करता है, परफेक्टली इलास्टिक करता है, ठीक है, या रिलेटिव इलास्टिक करता है, परफेक्टली इनलास्टिक करता है। तो याद रखिएगा जब भी वर्टिकल की हम लोग बात करते हैं, तो वैसे तो हम लोग पढ़ते हैं कि डिमांड जो है वो इलास्टिक होती है, लेकिन जब वो वर्टिकल होती है तो मैं आपको बता दूँ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होगी वो, है ना, सॉरी इनलास्टिक डिमांड होगी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर एट, यूटिलिटी एनालिसिस जो है उसको क्या कहा जाता है, किस दूसरे नाम से जाना जाता है। तो यूटिलिटी एनालिसिस जो हम लोग करते हैं कार्डिनल अप्रोच के द्वारा करते हैं, दो तरीके से होती है, कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको। द थ्री ग्रुप्स ऑफ डिसीजन मेकर इन द इकोनॉमी आर, जो तीन ग्रुप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक हाउस होल्ड होता है आप लोग जानते हैं, एक बिजनेस फॉर्म होता है, गवर्नमेंट होती है, तीनों मिलकर ही जो है क्या करते हैं, इकोनॉमी को चलाते हैं, आप, सरकार और जो बिजनेसमैन है वो। द थ्री ग्रुप्स ऑफ डिसीजन मेकर इन द इकोनॉमी आर, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा हाउस होल्ड है, बिजनेस फॉर्म है, गवर्नमेंट है। ठीक, फिर उसके बाद में सीनियर सिटीजन डिजर्व एन इनकम दैट विल अलाउ देम टू लिव इन कंफर्ट फॉर देयर रिमेनिंग ईयर, दिस इज, इसको क्या बोला जाता है, तो आप लोग जानते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। अभी कैसे होता है वो मैं आप लोगों को जस्ट समझाता हूँ। तो ये तो खैर अभी स्टार्टिंग थी, इस वजह से मैंने आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन है वो भी डिस्कस कर दिए। ये पूरी के पूरे पीडीएफ में आपको बता दूं हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं और इसे बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं स्टोर में जाके। ठीक, तो अगली बार से जब हम स्टार्ट करेंगे तो फिर थ्योरी और उसके बाद में फिर क्वेश्चंस लगाएंगे, क्योंकि पहली क्लास से तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ कि क्वेश्चन कैसे रहते हैं। अब माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, चूँकि हमारा पूरा का पूरा जो लेक्चर है आज उसी के ऊपर है, तो बहुत कम शब्दों में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इंडिविजुअल यूनिट्स की बात करते हैं कि इंडिविजुअल यूनिट्स जो हैं वो क्या है। इंडिविजुअल यूनिट्स मतलब मान लीजिए कि आपकी और मेरी इनकम जो है वो क्या हो जाएगी, एक इंडिविजुअल यूनिट है। ठीक, मेरी इनकम माइक्रो इकोनॉमिक का पार्ट है, आपकी एक पर्सनल इनकम जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक का पार्ट है, बट
जब हम सभी की इनकम को मिला देंगे तो नेशनल इनकम बन जाएगी। तो नेशनल इनकम बच्चों क्या हो जाता है, आपका मैक्रो इकोनॉमिक पार्ट हो जाता है। मतलब एक सिंपल फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद में कि भाई ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो ये कहाँ से आया है, तो माइक्रो इकोनॉमिक जो है मैं आपको बता दूँ, ये ग्रीक वर्ड है और ये मिक्रॉस इसका मतलब है। ये वर्ड जो मिक्रॉस से आया है जिसका मतलब होता है छोटा, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक जो है ये भी ग्रीक भाषा का ही शब्द है जिसका मतलब होता है मैक्रोज और इसका मतलब होता है बड़ा। तो मैंने आपको बताया जब इंडिविजुअल डिसीजंस हम लोग लेते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, और जब हम इकोनॉमी को एज अ होल कंसिडर कर लें तो वो मैक्रो इकोनॉमिक का पार्ट बन जाता है, ठीक। जैसे दिस नॉट कॉन्ट्रास्ट बाय विद माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी विज स्टडी। जैसे जब हम लोग टोटल एग्रीगेट लेवल आउटपुट निकालते हैं, या अगर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड भाषा लगती है तो आप समझिए कि आपकी एक फर्म है और वहाँ पे आपने कुछ उत्पादन किया या कुछ आउटपुट निकाला, ठीक है। तो एक एक आउटपुट जो निकल रहा है माइक्रो है वो, लेकिन जब आप टोटल निकालते हो कि टोटल मेरा सर प्रोडक्शन जो है इतना हुआ है, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक जो है वो बन जाएगा, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़े से आगे की बातों पर, ये आगे की चीज़ें क्या बोल रही हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक को समझाने के लिए एक उदाहरण जो है वो लिया गया है कि किस तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक जो है ना वो काम करती है। जैसे माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस अटेंशन ऑन टू ब्रॉड कैटेगरीज। कौन कौन सी सर? एक है सर हाउस होल्ड और दूसरी है बिजनेस फर्म। अब इसको हम लोग कैसे समझते हैं थोड़ा सा समझिएगा। आप अपने आप को कंसिडर कर लीजिए हाउस होल्ड, क्योंकि बिजनेस फर्म जो है आप कंसिडर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत कम बच्चे जो हैं वो बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते होंगे। अगर वो बिजनेस फैमिली से हैं तो अपने आप को आप बिजनेस फर्म भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन आपकी समझ के लिए मैं बता दूं, आप अपने आप को हाउस होल्ड कंसिडर कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा आप लोगों के लिए, समझने के लिए बेटर होगा। फिर एंड इट एग्जामिन्स द ऑपरेशंस ऑफ टू टाइप्स ऑफ मार्केट, जिसमें आप लोग देखेंगे ये होता है द मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड द मार्केट फॉर इकोनॉमिक रिसोर्सेज। जैसे सॉरी रिकोर्स, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज तो आप लोग जानते हैं इकोनॉमिक रिकोर्स की, जहाँ पे हम लोग जो संसाधन हैं उनकी उपलब्धता को कैसे देख रहे हैं उसको इकोनॉमिक रिकोर्स बोलेंगे। द इंटरेक्शन ऑफ हाउस होल्ड एंड बिजनेस फर्म इन द मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट फॉर इकोनॉमिक रिसोर्सेज रिप्रेजेंट द कोर ऑफ फ्री एंटरप्राइजेज इकोनॉमिक सिस्टम, जहाँ पे दोनों के दोनों जो है साथ में काम करते हैं। उदाहरण देके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे मानिए, मान लीजिए कि हाउस होल्ड है, उसके पास में क्या होता है, लेबर होगा, ठीक है, कैपिटल होगा, लैंड होगा, नेचुरल रिसोर्सेस होंगे। और बिजनेस फर्म जो है इन्हीं की सहायता से क्या करेगी, गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो प्रोड्यूस करेगी, किसके लिए, हाउस होल्ड के लिए। अब जैसे मान लीजिए कि अभी आपके पास में पैन है, तो पैन जो है उसको बनाने में लैंड लगा होगा, लेबर लगा होगा, कैपिटल लगा होगा, तो ये सारे सारे हाउस होल्ड रिसोर्सेज हो गए, राइट। लेकिन जो ये रिसोर्सेज थे उसको यूटिलाइज किसने कर लिया, बिजनेस फर्म ने कर लिया, लेकिन किसके लिए किया, आपके लिए किया। तो घूम फिर के जो पैन है वो आप ही के पास आ गया बन के, ठीक। तो एक आसान तरीका जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। एंड सर्विसेज हाउस होल्ड वॉन्ट्स बिजनेस फर्म पे टू हाउस होल्ड, और जो सर्विसेज दी जा रही है उसके बदले में हाउस होल्ड्स को क्या दिया जाता है ना, पैसा दिया जाता है। जैसे वेजेस के फॉर्म में मिलता है, सैलरीज के फॉर्म में मिलता है, कई बार आप लोग देखेंगे इंटरेस्ट के फॉर्म में, और अगर लैंड आपका रेंटेड है तो फिर वो रेंट के फॉर्म में जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फॉर द सर्विसेज एंड द रिसोर्सेज दैट हाउस होल्ड प्रोवाइड, जो हाउस होल्ड जो है उनको प्रोवाइड कर रहा है। हाउस होल्ड देन यूज द इनकम दैट दे रिसीव फ्रॉम बिजनेस फर्म्स टू परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज। तो मान लीजिए कि अगर आप एक बड़े एरिया से बिलोंग करते हैं और वहाँ पे आपका लैंड था वो लीज पे है, तो पैसा है। अब वो पैसे को ऐसा तो है नहीं कि आप न्यूयॉर्क या फिर स्विट्ज़रलैंड में जाके खर्च करेंगे, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी, बट देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप वहाँ पर खर्च ना करते हुए आप इसको हाउस होल्ड में या फिर आप बोलेंगे इंडियन मार्केट में खर्च करेंगे। तो जो हाउस होल्ड होता है ना, वो अगेन उसी गुड्स एंड सर्विसेज को जो फॉर्म्स के द्वारा बनाया गया है ना, वहाँ पर खर्च करने में इसको लगा देते हैं। द इनकम ऑफ द हाउस होल्ड्स आर द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ बिजनेस फर्म। तो जो इनकम है हाउस होल्ड का, वही प्रोडक्शन कॉस्ट होता है बिजनेस फर्म का। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझिएगा। मतलब मान लीजिए आपके पास में 100 रुपये आए, ठीक, तो वो जो 100 रुपये आए हैं किसी भी फॉर्म में आए हो हाउस होल्ड में, वही प्रोडक्शन कॉस्ट है। तो इनडायरेक्टली मैं आपको बता दूं कि जो बिजनेस फॉर्म्स होती हैं वो आप ही का पैसा आपसे लेती हैं। द एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड्स आर द रिसीट्स ऑफ द बिजनेस फॉर्म। मतलब जो खर्च है ना, जो हाउस होल्ड्स जो खर्च करते हैं
वो खर्च नहीं है एक्चुअल में, बिजनेस फॉर्म का ही क्या है रिसीट, मतलब उनके लिए क्या है वो पेमेंट एक तरीके से। अब यहाँ पे एक सर्कुलर फ्लो जो है इनकम का उन्होंने बताया। अब देखिए आप एरो को देखिए और समझते चलें। बिजनेस फॉर्म ने जो हाउस होल्ड है उनको क्या दिया, गुड्स एंड सर्विसेज दिया, ठीक। लेकिन ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कैसे हुआ, जब हाउस होल्ड से उनको इकोनॉमिक रिसोर्सेज मिल गए, जैसे लेबर मिल गया, कैपिटल मिल गया, ठीक है, आप बोल सकते हो लैंड मिल गया, ठीक है। तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज गए फॉर्म के पास, इसने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके दे दी, ठीक। उसके बाद में आप लोग देखेंगे कि कंज्यूमर ने जो है एक्सपेंडिचर किया फॉर्म के ऊपर, ये दिख रहा है यहाँ से। और बिजनेस फॉर्म के पास में क्या हुआ, बिजनेस फॉर्म ने क्या दिया इसके बदले में, इनको पैसा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है चलता रहता है। इकोनॉमिक कई बार प्रॉब्लम भी इस वजह से आ जाती है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा बंद हो जाता है, या फिर आप बोल सकते हो कि कुछ कॉम्प्लिकेशन उसमें आ जाते होंगे। द इनर लूप, इनर लूप जो है वो क्या बता रहा है, हाउस होल्ड टू बिजनेस फॉर्म शोज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम बिजनेस फॉर्म टू द हाउस होल्ड। मैंने आपको बताया गुड्स एंड सर्विसेज जा रहे हैं हाउस होल्ड की और बिजनेस फॉर्म की तरफ से। आउटर फ्लो क्या बता रहा है सर, आउटर फ्लो बता रहा है, मैंने आपको बताया मनी इनकम, ये देखिए मनी इनकम जा रहा है फ्रॉम बिजनेस टू हाउस होल्ड। तो भाई यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं उनको पैसा मिलेगा ना, तो हाउस होल्ड के पास चला गया। द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डिटरमाइंड इन द टॉप हाफ ऑफ द फिगर। जो प्राइजेज हैं है ना वो टॉप हाफ, मतलब ये टॉप हो गया और इसका हाफ, वहाँ पर आप लोगों को शो होते हुए मिलेंगी, है ना, एंड आर डिटरमाइंड द बॉटम हाफ ऑफ द फिगर। और ये जो बॉटम हाफ है उसको ये डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक। तो ये छोटा सा भाग था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगला वीडियो जो है वो पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के ऊपर होगा। कुछ वीडियोस इसमें बड़े होंगे, कुछ वीडियोस छोटे होंगे, मैंने आपको बताया ये जो MCQs थे वो करवाने में ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया। अगला जो वीडियो होगा छोटा सा वीडियो होगा, उसमें पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अगर आपको पसंद आया तो अपने उन दोस्तों के साथ में शेयर करें जो NTA नेट की तैयारी कर रहे हैं और RBI ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि मुझे ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।